मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान साथी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं नए उत्पाद के बारे में, जिसका नाम है सीमोडिस। सीमोडिस क्या है, सीमोडिस के क्या क्या फ़ायदे हैं, सीमोडिस का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है, सीमोडिस का इस्तेमाल कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करने में किया जाता है, सीमोडिस कीटों में कैसे कार्य करता है, सीमोडिस का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए और सीमोडिस की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं सीमोडिस क्या है। सीमोडिस सिंजेंटा कंपनी का एक बेहतरीन कीटनाशक उत्पाद है, जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के कीटों और सूंडियों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस उत्पाद में प्लिनाजोलिन टेक्निक सिंजेंटा की एक नई तकनीक है, यानी ये कार्रवाई का एक नया तरीका है जो फसलों में एक अलग तरीके से कार्य करता है। प्लिनाजोलिन टेक्निक एक नए सक्रिय संगठक का ट्रेडमार्क है जो कई प्रकार की फसलों को प्रभावित करने वाले हानिकारक कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बेहतरीन प्रदर्शन के साथ पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इसमें मुक्ता, रस चूसने वाले कीट और पत्ता खाने वाली सूंडियों को बहुत आसानी से नियंत्रित करता है। सिंजेंटा की प्लिनाजोलिन तकनीक पर आधारित कीट नियंत्रण के लिए सीमोडिस कीटनाशक ग्रुप 30 का एक नया तरीका है, जो इस समूह का पहला उत्पाद है। सीमोडिस कीटनाशक क्रिया के एक नए तरीके की तुलना में इतना अधिक है, एक लंबे समय तक और बेहतरीन गतिविधि के साथ इसकी विश्वसनीय और उच्च स्तर की प्रभावकारिता ये सुनिश्चित करेगी कि ये उत्पाद एक विश्वसनीय उद्योग मानक बन जाए। सीमोडिस को ग्रुप 30 कीटनाशक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे किसानों को प्रतिरोध का प्रबंधन करने में मदद मिलती है। आइए बात करते हैं सीमोडिस के क्या क्या फायदे हैं। सीमोडिस का इस्तेमाल बागवानी फसलों में मुश्किल से नियंत्रित होने वाले कीटों के खिलाफ एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाता है। सीमोडिस कीटनाशक ने एक बेहतरीन फसल सुरक्षा प्रदर्शन किया है, जो फसलों की एक श्रृंखला में आवेदन के समय पर लचीलापन प्रदान करता है। प्लिनाजोलिन तकनीक लक्षित स्प्रे कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रतिरोधी और मुश्किल से नियंत्रित होने वाले कीटों का प्रबंधन करने में मदद करती है। ये एक संपर्क कीटनाशक के रूप में सीमोडिस के पास एक अच्छी सूर्य की रोशनी स्थिरता और बारिश प्रतिरोधी गुण है, यानी ये सूर्य की तेज रोशनी में भी स्थिर रहता है और बारिश में ये पत्तियों से धुलता नहीं है, जो एक लंबे समय तक चलने वाली गतिविधि प्रदान करता है। सीमोडिस कीटनाशक उत्पादकता और गुणवत्ता का समर्थन करने वाला एक अत्यधिक प्रभावशाली प्रबंधन का विकल्प है। पौधों पर किसी भी प्रकार का दबाव या फाइटोटॉक्सिक असर नहीं दिखाई देता है, बल्कि ये एक फाइटोटॉनिक का काम करता है। पौधों में हरापन और ज़्यादा मजबूत जड़ों का विकास होता है। ये प्रतिरोध प्रबंधन रणनीतियों में एक प्रभावी समाधान प्रदान करता है और पुराने कम प्रभावी रसायन शास्त्रों की जगह लेता है। इस नई तकनीक का लॉन्च होना पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जिम्मेदार तरीके से फसल उत्पादकता बढ़ाने वाले अभिनव और प्रभावी समाधानों के लंबे समय तक विकास में निवेश करने की हमारी लगातार वायदों का परिणाम है। सीमोडिस का असर फसलों पर लंबे समय तक दिखाई देता है, जिसकी वजह से फसलें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होता है। आइए बात कर लेते हैं सीमोडिस का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। सीमोडिस का इस्तेमाल सब्जी वर्गीय, बेल वर्गीय, फल वर्गीय, दलहन वर्गीय, तेल वर्गीय इत्यादि फसलों में किया जाता है। इसमें मुख्यतः बैंगन, गोभी, मिर्च, चना, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, लहसुन, प्याज, तरबूज, सीताफल, टमाटर, सेम इत्यादि के लिए सिफारिश की जाती है। इसके अलावा अन्य फसलों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं सीमोडिस कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है। सीमोडिस का इस्तेमाल तेला, लाल मकड़ियाँ, पीली मकड़ियाँ, तना एवं फल भेदक कीट, लीफ फीडर्स, हीरक पतंगा यानी डायमंड बैकमोथ, चूरदा, टिड्डे की सूंडियाँ, फली भेदक, चित्तीदार फली भेदक, लीफ माइनर, पत्ते का कीड़ा यानी सेमी लूपर, गार्डल बीटल,
तना मक्खी और थ्रिप्स को आसानी से नियंत्रित करता है। आइए बात कर लेते हैं सीमोडिस का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी सीमोडिस कीटों के अंदर कैसे कार्य करता है। सीमोडिस एक पत्तेदार संपर्क और पेट की क्रिया द्वारा कार्य करने वाला कीटनाशक है, यानी ये एक कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन करता है। सीमोडिस को आइसोसाइक्लोसेरम 9.2% भार प्रति भार, आइसोसाइक्लोसेरम 10% भार प्रति आयतन और आइसोसाइक्लोसेरम 100 ग्राम प्रति लीटर से तैयार किया गया है। सीमोडिस को डीसी फार्मूलेशन से तैयार किया गया है, जिसका अर्थ होता है डिस्पर्सिबल कॉन्सेंट्रेट, जो पानी के अंदर तुरंत घुल जाता है और एक बेहतरीन सांद्रण बनाता है। सीमोडिस को अब तक की सबसे नई तकनीकी प्लिनाजोलिन तकनीक के आधार पर तैयार किया गया है, जो स्प्रे करने के बाद लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्प्रे पौधों की सतह पर प्लिनाजोलिन प्रौद्योगिकी अफसोसों को छोड़कर बाष्पित हो जाता है। सक्रिय संगठक कीटों द्वारा संपर्क के माध्यम से और अंतःग्रहण के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। सीमोडिस कीटनाशक कीट के तंत्रिका तंत्र पर काम करता है, ताकि तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों के संचार को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवरुद्ध किया जा सके। सीमोडिस कीटनाशक तंत्रिका से मांसपेशियों के संचार को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र को अवरुद्ध करने के लिए कीट के तंत्रिका तंत्र पर काम करता है। तंत्रिका तंत्र में लक्षित साइट गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड रिसेप्टर में है। रिसेप्टर्स ये नियंत्रित करते हैं कि विद्युत संकेत एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे में कैसे जाते हैं। जब सीमोडिस कीटनाशक में सक्रिय संगठक रिसेप्टर्स को काम करने से रोकता है, तो तंत्रिका तंत्र अधिभार में चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में ऐंठन और कीटों को लकवा हो जाता है, जिसके कारण कीट 1 से 3 घंटे में खाना पीना और चलना बंद कर देता है और अंततः भुखमरी से कीट 3 से 4 दिन में मर जाता है। सीमोडिस 98% कॉन्टैक्ट और 2% ट्रांसलैमिनर एक्शन के साथ कार्य करता है। सीमोडिस का इस्तेमाल करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए। इस कीटनाशक का लेबल पर दिए हुए विवरण के अनुसार इस्तेमाल करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल ना करें। ये उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए जहरीला है। खराब मौसम की स्थिति में छिड़काव ना करें, जिससे छिड़काव की बूंदें आसपास के जल निकायों पर ना जाने पाए। सीमोडिस का इस्तेमाल पहले स्प्रे के कम से कम 20 दिनों के बाद करना चाहिए। सीमोडिस का इस्तेमाल नर्सरी में ना करें। ये उत्पाद मधुमक्खियों के लिए जहरीला है। दिन में मधुमक्खियों के सक्रिय विचरण के दौरान छिड़काव ना करें। उपचार क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में फूलों, खरपतवारों या फूलों की फसलों में स्प्रे बहाव की अनुमति ना दें। फसलों में पेस्ट का प्रकोप दिखाई देने पर सीमोडिस का स्प्रे करना चाहिए। फसलों में सीमोडिस का इस्तेमाल फूल आने से पहले या फल बनने से पहले स्प्रे किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सीमोडिस को किसी भी प्रकार के फफूंदनाशकों या PGR के साथ मिलाया जा सकता है। आइए बात करते हैं सीमोडिस की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए। सीमोडिस की खुराक अलग अलग फसलों में अलग अलग होती है। सीमोडिस का इस्तेमाल सामान्यतः 240 ml प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। आइए बात करते हैं सीमोडिस का पैक साइज कितने प्रकार का होता है। सीमोडिस का पैक साइज 80 ml, 120 ml, 240 ml और 1200 ml की पैकिंग साइज में उपलब्ध है। आइए बात करते हैं सीमोडिस का 240 ml का खर्चा कितना आता है। सीमोडिस का 240 ml का खर्च लगभग 2000 रुपये आता है। किसी भी उत्पाद का प्राइस घट सकता है या बढ़ सकता है, प्राइस फिक्स नहीं रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।